दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, शुक्रवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आंगनबाड़ी रसोईया और सहायिकाओं के मानदेय में सरकार ने 500 रुपए की वृद्धि की है। अब इन्हें 1500 के बदले 2000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 31 मई 2021 तक की तिथि तक बिल में लगने वाले अधिभार को माफ कर दिया है। साथ ही डोमरा जाति को झारखंड की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार से अनुशंसा करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड के गांवों में शुगर, बीपी और टीबी के मरीजों का इलाज करेगी सरकार। दोस्तों झारखंड सरकार राज्य में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चला रही है। इसी क्रम में अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों के 44,83,523 घरों का सर्वे किया जा चुका है। इनमें 2,23,67,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। आपको बता दें कि इस दौरान कोविड के मरीजों की जहां कोविड के मरीजों से ज्यादा टीबी, शुगर और बीपी एबनॉर्मल के मरीज मिले हैं। स्क्रीनिंग के क्रम में कुल जांच में टीबी के लक्षण वाले 14,814 लोग, शुगर के लक्षण वाले 1,05,923 और बीपी एबनॉर्मल वाले 1,07,781 मरीज मिले हैं। नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में पिछड़ा झारखंड। दोस्तों नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया। इस सूचकांक में झारखंड और बिहार का प्रदर्शन काफी खराब रहा। असम ने भी खराब प्रदर्शन किया। सूची में झारखंड नीचे से दूसरे स्थान पर रहा। इसका मतलब यह है कि झारखंड सूचकांक में दिए गए लक्ष्यों को सही ढंग से हासिल कर पाने में सक्षम नहीं रहा। बिहार और असम के साथ भी यही मुश्किल थी। सभी मामलों में केरल राज्य ने बाजी मार ली। खबरों के अनुसार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों के आधार पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विकास की गति का आकलन किया जाता है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द करने को लेकर सोशल मीडिया पर फैली फर्जी खबर। दोस्तों झारखंड में परीक्षा रद्द करने को लेकर फर्जी नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये वायरल नोटिस झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द करने को लेकर है। इसके बाद झारखंड के लाखों परीक्षार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी है। छात्र से लेकर परिजन तक परेशान रहे कि क्या ये सही खबर है या नहीं। लोग इधर उधर से जानकारियां जुटाने में लगे हैं। इस वायरल फेक न्यूज के बाद जैक बोर्ड हरकत में आया और जैक ने फिर इस नोटिस को अपनी वेबसाइट पर भ्रामक खबर बताया। साथ ही बताया गया कि कोरोना संक्रमण के कारण इस परीक्षा के होने या स्थगित या कैंसिल होने की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। झारखंड में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक 1.13 करोड़ का वसूला गया जुर्माना, 758 गिरफ्तार। दोस्तों पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का उल्लंघन करने पर 16 मई से अब तक 758 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का उल्लंघन करने पर झारखंड में 197 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब तक 15,313 लोगों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का उल्लंघन किया है। इस दौरान झारखंड के 17,512 स्थानों पर पुलिस की ओर से जांच अभियान चलाया गया। लॉकडाउन से संबंधित उल्लंघन मामले में 72,92,702 रुपए जुर्माना वसूला गया। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क पहनने वाले 60,526 लोगों की जांच की गई है। वहीं इन लोगों से अब तक 40,69,068 रुपए वसूला गया है। झारखंड में 7 जून तक झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश की संभावना। दोस्तों कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि इस बार मौसम विज्ञानियों ने औसत से अधिक बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। महामारी के दौर में यह वरदान साबित होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 7 जून तक रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना है। झारखंड में मानसून के 15 से 18 जून तक पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें कि झारखंड के किसानों के लिए राहत इसलिए है कि अभी पहले से जो हल्की बारिश हुई है उससे खेतों में नमी बनी हुई है।
झारखंड में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस का मामला हुआ गंभीर। दोस्तों झारखंड में केवल जून के 3 दिनों की बात करें तो यहां रोज औसतन 9 मरीज मिल रहे हैं। चिंता या गंभीर की बात यह है कि इस बीमारी से हर दिन औसतन 2 लोगों की मौत हो रही है। झारखंड में 16 लोगों की अब तक इस बीमारी से, जी हां 16 लोगों ने अब तक इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जून में राज्य में ब्लैक फंगस के 28 नए मरीज मिले हैं, 6 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग इस बीमारी से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। गुरुवार को राज्य में ब्लैक फंगस के 20 और नए मरीज मिले, यह एक दिन में मिले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही अब ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। 42 संदिग्ध मरीज भी अस्पतालों में एडमिट हैं। तमिलनाडु से घर लौटी 38 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। दोस्तों तमिलनाडु से वापस लौटी महिलाओं का इंडोर स्टेडियम दुमका में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा डाटा बेस तैयार किया गया है। इसके उपरांत सभी का रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से कोरोना की जांच की गई। मुख्यमंत्री ने वापस लौटी महिलाओं को काम उपलब्ध कराने का निर्देश उपायुक्त दुमका को दिया है। इस बाबत उपायुक्त ने महिलाओं से उनके कार्य के बारे में जाना है। स्थिति सामान्य होने पर इन्हें उनके कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड में सरकारी स्कूल के बच्चों को साइकिल के लिए देना होगा जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों आठवीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल के लिए अब जाति प्रमाण पत्र देना होगा। आपको बता दें कि इसको अनिवार्य किया गया है। कल्याण विभाग के संकल्प लाभुक छात्र छात्राओं से ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र देने की बात कही गई है। इस मामले को लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजय कुमार तथा महासचिव नंद किशोर सिंह ने उपायुक्त को पत्र के माध्यम से इस संबंध में जानकारी दी है। टेट की मान्यता लाइफ टाइम करने से झारखंड के 1 लाख टेट पास युवाओं में जगी उम्मीद। दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा की मान्यता लाइफ टाइम रहने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद झारखंड के लगभग 1 लाख टेट पास अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है। झारखंड में अब तक 2 बार 2013 और 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। 2013 के अभ्यर्थी 2015-16 में नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए, जबकि 2016 के टेट अभ्यर्थियों को किसी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अब तक मौका नहीं मिल सका है। अब झारखंड सरकार झारखंड के टेट पास अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की वैधता 7 साल रखने या फिर आजीवन करने पर अंतिम निर्णय लेगी। 2013 में आयोजित टेट में 66,364 अभ्यर्थी पास किए थे। 2015-16 में चली नियुक्ति प्रक्रिया में 15,698 टेट पास अभ्यर्थियों की शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो सकी थी। देश में कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कोरोना के मामलों में आ रही है कमी। दोस्तों देश में कोरोना के मामलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 1,32,000 नए केस सामने आए हैं। पिछले 8 दिनों से कोरोना के मामले 2 लाख से भी कम आ रहे हैं। मामलों में 68% की कमी आई है। 66% मामले 5 राज्यों से आ रहे हैं। राज्यवार आंकड़ों की जानकारी देते हुए लव अग्रवाल ने बताया कि 33% मामले 31 राज्यों से आ रहे हैं। 100 से अधिक औसत दैनिक नए मामलों की रिपोर्ट करने वाले जिलों में लगातार कमी आई है। 377 जिलों में इस दौरान 5% से कम मामले सामने आ रहे हैं। 257 जिले 100 से अधिक दैनिक मामलों की रिपोर्ट कर रहे हैं। देश में कोरोना की रिकवरी दर में लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में 93.1% कोरोना की रिकवरी दर है। 5G वायरलेस पर जूही चावला को झटका, हाईकोर्ट ने 20 लाख रुपए का लगाया हर्जाना। दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जूही चावला द्वारा 5G वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने के मुकदमे को खारिज कर दिया। अदालत ने जूही पर 20 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जूही चावला की याचिका खामियों और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाली है, इससे अदालत का समय खराब हुआ। यह मुकदमा सिर्फ प्रचार के लिए दायर किया गया जूही चावला ने सोशल मीडिया खाते पर सुनवाई का वेब लिंक साझा किया, जिससे अज्ञात लोगों ने सुनवाई में बाधा पैदा की। शैक्षणिक सत्र 2021-22 से CBSE स्कूलों में 2 नए
कोर्स करेगी शुरू। दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE शैक्षणिक सत्र 2021-22 से अपने स्कूलों में कोडिंग और डाटा साइंस के कोर्स शुरू करने जा रहा है। इन दोनों नए कोर्स का मकसद बच्चों की तार्किक क्षमता को बढ़ाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हमने यह वादा किया था कि स्कूलों के पाठ्यक्रमों में कोडिंग और डाटा साइंस को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि CBSE सत्र 2021 से इस वादे को पूरा करने जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से CBSE भारत की भावी पीढ़ियों को नए जमाने के कौशल सिखाकर सशक्त बना रहा है। बिना ISI मानक वाला हेलमेट पहनने पर होगी कानूनी कार्रवाई। दोस्तों, 1 जून 2021 से पूरे देश में बिना ISI मानक हेलमेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है और इस तरह के हेलमेट बेचने एवं खरीदने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्यापार जगत और गैर सरकारी संगठनों ने 1 जून 2021 से दो पहिया वाहन चालकों और सवारों के लिए ISI मानक वाले हेलमेट अनिवार्य करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है, 10 और सरकारी कंपनियों का होगा निजीकरण। मोदी सरकार निजीकरण और विनिवेश की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। CNBC की खबरों के अनुसार सरकार 10 और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में विनिवेश की योजना बना रही है। इसके लिए पूरी तरह निजीकरण का रास्ता अपनाया जा सकता है या फिर सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के तहत रखेगी। खबरों के अनुसार नीति आयोग और विनिवेश के लिए जिम्मेदार DIPAM यानी दीपम इस विषय पर मिलकर रोड मैप तैयार करेगा। खबरों के अनुसार 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स NLC, KIOCL, SJVN, HUDCO, MMTC, GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस पर चर्चा की गई है।